चलिए शुरू करते हैं। आए हुए हैं लखनऊ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो है पासपोर्ट पेंडिंग में था हमारे एक फ्रेंड का। ये देखिए, भारत सरकार विदेश मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ। ये ऑफिस है, मेन ऑफिस है। अगर किसी का पासपोर्ट पेंडिंग में है, अंडर रिव्यू में चला गया, अंडर रिव्यू में पिछले 5 से 7 से 8 9 महीने 11 महीने 1 साल 1.5 साल में अंडर रिव्यू में है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है, अगर आपका SP जांच हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन जांच हो गया है, CID जांच हो गया है, उसके बाद भी आपका इंटरव्यू बता रहा है, तो आपको जो है CSC सेंटर जाना है, अपने नियर बाई CSC सेंटर जनसेवा केंद्र पर जाके आपको उनसे इतना सिर्फ कहना है कि आपको सिर्फ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेना है, पासपोर्ट का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेना। ये देखिए, ये बाहर का लुक है, काफ़ी खूबसूरत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बनाया गया है। ये देखिए, जहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ से एंट्री आपको करना है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। उसके बाद इंक्वायरी अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे, ये देखिए आप अंदर का व्यू है, ये देखिए सब वहाँ पे अपना इंक्वायरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको उसे इंक्वायरी करके अंदर जाना है, मेन ऑफिस अंदर में है। ये देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं। इंक्वायरी अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे, तो आपको एक पेज का जो है एप्लीकेशन मिलेगा, एक पेज जो है ऑनलाइन निकलेगा, उसमें डेट रहेगा और टाइम रहेगा, किस टाइम में आपका अपॉइंटमेंट है। ये देखिए अंदर कभी हो, ये फर्स्ट कैबिन, सेकंड कैबिन, लोग वेट कर रहे हैं, उनका नाम जो पुकारा जाता है। ये देखिए, वहाँ पर सिर्फ जाके आपको खड़े खड़े अपना डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कराना है, 2 से 5 मिनट लगेंगे, आपका सब काम हो जाएगा। अब इसके बाद जब आपका एक पेज का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट जब मिलेगा, वही इंक्वायरी अपॉइंटमेंट आपको जो है ऑनलाइन द्वारा जो निकला वही आपको लेके जाना है, और पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है। उसके बाद सिर्फ वहाँ पे जाके इंक्वायरी अपॉइंटमेंट एक पेज का जो रहता है उसको सिर्फ जमा करना है, ना तो कोई एप्लीकेशन आपको लिखना है और ना ही कहीं आपको किसी को 1 रुपये देने हैं। उसके बाद आप जो है चाहे लखनऊ का ले लीजिए, कानपुर का ले लीजिए, लखनऊ का अपॉइंटमेंट बहुत तेज लोग ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। उसके बाद आप जाइए वहाँ पर अपॉइंटमेंट अपना जमा कर दीजिए, आप बता दीजिए उसमें टाइम डेट रहता है, उस टाइम पे आप फिर आपका नाम पुकारा जाएगा, आप वेट करिए। सिर्फ आपको जो है आपका चेहरा वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप जाइए घर पे, 10 से 15 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा, उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में गए हैं तो उनका काम कन्फर्म हुआ है, काम होगा। अगर किसी का पेंडिंग होता है, अंडर रिव्यू आता है, 11 महीने 6 महीने 2 2 साल तक किसी का अंडर रिव्यू है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन अगर 2 महीने 40 दिन से ज़्यादा वेट मत करिए, 40 दिन के ज़्यादा अगर अंडर रिव्यू आपका बता रहा है, तो आप तुरंत इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेकर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाइए, विपिन खंड लखनऊ गोमती नगर। ये बाहर का लुक है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से जो है बनाया गया है, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड आइकॉन में जो दिख रहा है उसका कलर बदल दीजिए, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, मोबाइल का स्क्रीन फोड़ डालिए, बस कलर चेंज कर दीजिए, बेल आइकॉन बगल में दबा दीजिए, क्योंकि बहुत लेट में वीडियो आप लोग के पास पहुंचता है, तो इसके लिए वीडियो आपके पास फौरन पहुंचना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।